मुरादाबाद में झोला छाप डॉक्टरों और बीयूएमएस डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम छापा मार कर बीयूएमएस और झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों को सील कर रही है। इसी को लेकर ग्रामीण एकता संगठन के बैनर तले ग्रामीण क्षेत्रों के बीयूएमएस और झोला छाप डॉक्टरों ने भाजपा नेता ठाकुर रामवीर सिंह को मांग पत्र देकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। चिकित्सकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग छापामार अभियान चला रहा है और पंजीकरण के नाम पर चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कई चिकित्सक मान्यता प्राप्त संस्थानों से अनुभव प्रमाण पत्र लिए हैं, वर्षों से ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सेवाएं भी दे रहे हैं। आपातकाल में मरीजों को यही डॉक्टर जनमानस की सेवाएं कर रहे हैं, जिसे सामाजिक सेवा भाव कहा जाता है, परंतु अब हम लोगों को झोला छाप डॉक्टर कहकर अपमानित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम डॉक्टर आपातकालीन एवं कम खर्चे पर रोगियों का इलाज प्राथमिक उपचार कर देते हैं। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सकों का उत्पीड़न इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में जनता पूरी तरह त्रस्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर विभागीय कार्रवाई से डर कर अपना काम भी नहीं कर पा रहे। कुछ हमारे सैनिक समाज के भी लोग थे, पाल समाज के भी थे, प्रजापत समाज के भी थे, मुस्लिम भाई तो थे, सभी जातियों के थे। और मैंने कहा कि भाई देखो, मेरे पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष जी जो इस समय चुनाव लड़े, वो और बहुत से साथ जो पावर में है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो आपकी ज्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं। मैंने सभी लोगों की बात कही, मैं अपनी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप तो घूमे। आपका हमने अपना एक संगठन बनाया, उसके बाद सुबह हमारे तीन चार भाई लोग गए थे जो संचालन कर रहे हैं, ये भी गए थे, बोले भाई साहब हम 11 बजे का कार्यक्रम रख रहे हैं। तो मैंने इनसे गुजारिश की, क्योंकि आज आपको पता ही होगा युवा मोर्चे का कार्यक्रम था, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष जी और बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता हजारों की संख्या। और अभी मैं माननीय हमारी श्रीमती सुषमा शुक्ला जी 4 बार से लगातार विधायक है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो ब्लॉक में थी, वहां पर भी कार्यक्रम कल भी निश्चित हुआ, तो वो भी पहले से निश्चित था। तो मैंने इनसे कहा कि 4 बजे के बाद मैं आप लोगों के बीच में आ पाऊंगा। ये 3 कार्यक्रम, ये कार्यक्रम और था, 3 कार्यक्रम पहले से ही निश्चित है। आपको इन्होंने 4 बजे की सूचना दे दी, मैं थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं थी। अभी मंत्री जी अपनी गाड़ी में बिठाकर कुछ औचक निरीक्षण करने अपने विभाग के मुरादाबाद गई है, तो मुझे बिठा के ले जा रही थी, लेकिन मैं उनसे बहुत ही विनम्र अनुरोध करकर और माफी मांग कर क्षमा याचना करके, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं नजदीक भाई को उनके साथ बिठा के सब आपके बीच में आया हूँ। मैं आप सभी भाइयों का जो मेरे सामने बैठे हैं या मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं या जो मंचासीन है, मैं उन सभी दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का माल्यार्पण आप लोगों ने मेरा किया, गुरुकोशी की, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत और शुभकामना करता हूँ। मित्रों, जो संचालक प्रधान भी है, हालांकि मेरे पड़ोसी भी हैं, उन्होंने बताया कि AMI जो एक एसोसिएशन है आपके, IMI जो एक एसोसिएशन है आपकी वरिष्ठ चिकित्सक बंधुओं की, जो डिग्री प्राप्त है, जिनके बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम हैं, उन लोगों ने शिकायत वगैरह की होगी या कुछ विभागीय इस तरह का अभियान भी चला होगा, दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। आज क्योंकि आप ही बोल रहे हैं तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम जो चला है, अब बात सही है कि
मेरे पास डिग्री है, मेरा अस्पताल बना हुआ है, तो मैं क्यों चाहूंगा कि कोई और आदमी ये व्यापार करे। बड़ा व्यापारी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, बड़ा व्यापारी जो है छोटे व्यापारी को कदम नहीं देता है। बड़े कपड़े की दुकान हो और उसके बराबर में छोटे की हो तो कहां कदम दिया। बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, तो ऐसा ये कहावते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें आपके पास रहेंगी। और आजकल तो क्या है, अगर कोई एक भाई किसी भी सक्षम आदमी के खिलाफ रोज अभियान चला देंगे एप्लीकेशन देने का पोर्टल पर डालने का, तो पोर्टल से बार बार क्वेरीज होती रहती है। तो आदमी भले झूठी शिकायत भी आप किसी की कर लो, झूठी अगर शिकायत करोगे तब भी जो है पोर्टल पे कर दो, डीएम पोर्टल पे कर दो, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर दो,